नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर आज एक मूवी रिलीज हुई है पैराडाइज नाम से, जो कि एक जर्मन मूवी है। वह मूवी एक साइंस फिक्शन है जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज में मिल जाती है। मूवी फैमिली के साथ बिल्कुल भी चेक मत करना। चलिए बात करते हैं इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी में। कहानी फोकस करती है कि अपने फ्यूचर में एक कंपनी आ जाती है इओन नाम की, जो कि लोगों को पैसा देकर उनकी जिंदगियाँ गिरवी रखती है। यानी कि एक नौजवान ने अगर अपने 15 साल दिए हैं तो किसी बूढ़े को, तो वो बूढ़ा जवान हो जाता है और जो कि नौजवान है वो बूढ़ा टाइप हो जाता है। तो वहाँ पर स्टोरी फोकस करती है मैक्स नाम के बंदे पर, जो कि उसी कंपनी में काम करता है और उसकी एक वाइफ होती है, और उन दोनों के काफ़ी बड़े सपने होते हैं कि अपनी बेटे वगैरह पैदा करेंगे। लिस्ट तब आता है जब उसकी वाइफ को भाई अपने जो कि ज़िंदगी के 40 साल देने पड़ जाते हैं एओन नाम की कंपनी को, जो कि उसकी बीवी है अलीना वो एकदम बूढ़ी हो जाती है। तो मैक्स नाम का बंदा है वो एकदम एओन कंपनी के खिलाफ हो जाता है और बोलता है कि ये कुछ बहुत ही ज़्यादा डार्क कर रही है। तो ये बंदा उसी सीक्रेट्स को रिवील करने के लिए लग जाता है, जो कि अपनी बीवी की भाई जो कि जवानी है उसको वापस लाने के लिए लग जाता है। तो इसके बाद कहानी में क्या कुछ होगा वही सब जानने के लिए तुम्हें इस मूवी को देखना पड़ता है। भाई सुनिए, इस मूवी का कंसेप्ट मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। इस मूवी को जो कोई भी देखेगा, मूवी की जो कि शुरुआत है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको स्टोरी बताई तो सुनने में ही एकदम यूनिक टाइप फील हो रहा है, लेकिन जिस तरह इन्होंने मूवी को स्टार्ट किया ना भाई, जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है तो इतने टर्न एंड ट्विस्ट रिवील नहीं होते कि आप भाई आपका माइंड हिल जाए, क्योंकि मूवी के जॉनरे में आपको मिस्ट्री भी देखने को मिलती है लेकिन इतने बड़े राज नहीं खुलते कि हम चौंक जाएं कि ऐसी फीलिंग आए। लेकिन मूवी का कंसेप्ट आपको अच्छा लगेगा, छोटे छोटे टर्न एंड ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। कंपनी होती है वहाँ पर एडम नाम की, जो कि इन इओन नाम के लोगों के खिलाफ होती है, कि लोगों की जिंदगियों को ये बहुत ही ज़्यादा खेल रहे हैं। इस मूवी में CGI यूज़ की गई है, सिनेमेटोग्राफी है, साउंड है, काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलता है। एक्टर्स का परफॉर्मेंस भी आपको डिसेंट लेवल का देखने को मिलता है। इन शॉर्ट यही बोलने वाला हूँ कि मूवी शुरू से एंड तक तुम्हें अपनी सीट पर बांधे रखेगी और इस मूवी का जो कि प्लॉट है एकदम यूनिक देखने को मिलता है बॉस। तो मैं तो आपको ये मूवी रिकमेंड करने वाला हूँ कि अपना कीमती टाइम इस मूवी पर ज़रूर देना। और एक चीज़ मेरे को लगी है कि इस मूवी का सीक्वल तो ज़रूर आने वाला है, जिस तरह इस मूवी की एंडिंग हुई है। तो नेटफ्लिक्स का आपको पता ही है कि अगर मूवी हिट रही तो इसका सीक्वल आएगा, नहीं तो टाटा बाय बाय। तो अगर मुझे इस मूवी को रेटिंग देनी है 5 में से 3 रेटिंग दूंगा। वीडियो करते हैं मेरे खत्म। चैनल पर नए हो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हर बार की तरह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।